हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप सबको वेलकम करता हूं मेरे इस चैनल पर। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं संबलपुर जंक्शन का जो नया प्लेटफॉर्म बन रहा है, जो कि डेडिकेटेडली 5 और 6 नंबर प्लेटफॉर्म है, उसका वर्क कैसा चल रहा है। तो ये मैं जो चल रहा हूँ यही वाला है नया वाला प्लेटफॉर्म। इस साइड का जो है ये वाला 5th है, ये वाला 6th है और ये है हीराकुद एंड या फिर टिटलागढ़ एंड आप कह सकते हैं, वहाँ पर टर्मिनेट होता है प्लेटफॉर्म। और वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है जो आप देख रहे हैं सामने, प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 वहाँ से शुरू होता है, जो कि हमें पता है कि प्लेटफॉर्म 2 और 3 संबलपुर का 1 से लेंथ में थोड़ा कम है, पर ये जो नया प्लेटफॉर्म बन रहा है ये 1 से थोड़ा लंबा है। दोनों एंड से देखें तो कुछ 10 मीटर्स दोनों साइड से लंबा है और उसका शेड वर्क के लिए वो फ्रेमिंग कंप्लीट कर दिया गया है। तो ये मैं और थोड़ा आगे आ चुका हूँ, ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे 2 स्पेयर रखे हैं, शंटिंग वगैरह कुछ चल रहा है। यहाँ पे रायपुर का WDG4 शंटिंग के लिए यूज़ होता है संबलपुर जंक्शन में। तो इस तरफ का जो ट्रैक है प्लेटफॉर्म नंबर 7 का ट्रैक, वो उस एंड से कनेक्टेड है मेन लाइन से, इस एंड से लेकिन कनेक्टेड नहीं है, टर्मिनेट कर दिया। आगे का काम लाइन क्लियरिंग के पास होगा, ये देख सकते हैं यहाँ पे शंटिंग वर्क स्लोली यहाँ पर शंट हो गए। तो जो इम्पोर्टेंट इसमें ये था कि ये जो पुराना फुटब्रिज था संबलपुर जंक्शन का, जो कि सबसे पहले बना हुआ था, इसको इस नए प्लेटफॉर्म से कनेक्ट नहीं किया जाएगा। तो उसके बदौलत वहाँ पर जो अभी कुछ 5-6 साल से पहले बना था एस्केलेटर और एलिवेटर का एक जो कम्बाइंड फुटब्रिज था, उसको डायरेक्ट कनेक्ट किया जाएगा, क्योंकि वो वाला जो फुटब्रिज है वो डायरेक्ट मतलब स्टेशन के बाहर खुलता है, मतलब आपको स्टेशन बिल्डिंग से घूम के जाने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट आपको पार्किंग लॉट के पास ही छोड़ देगा। पर उसमें भी थोड़ा चेंजेस लाए गए, यहाँ से जो शेड कवर जो मतलब बंद किए हैं, यहाँ से एक्चुअली एलिवेटर शुरू होगा। एलिवेटर यानी वो जो लंबा वाला जो रैंप है वो उसका इस साइड से शुरू होने वाला है। और सबसे बड़ा चेंज ये है कि उस तरफ प्लेटफॉर्म 1 और 2 पर एस्केलेटर था, जो कि इस तरफ एस्केलेटर नहीं बनाया जाएगा, वो मैं आपको वो जो फ्रेम बनाया गया है फुटब्रिज का उसके दूसरी तरफ जाते ही दिखा दूँगा। वहाँ पे एक नॉर्मल फुटब्रिज जैसा होता है स्टेप बाय स्टेप, वैसे ही कर दिया गया। और ये हीराकुद एक्सप्रेस का अनाउंसमेंट चल रहा है, थोड़ा लेट चल रहा है वो। और उस तरफ जो है ये रेक से पता नहीं चल रहा, रेक की दूसरी तरफ संबलपुर जंक्शन का जो कोचिंग डिपो है उसका नया वाला पिट लाइन का भी काम चल रहा है, वो देख सकते हैं भरत गौरव एक्सप्रेस का रेक लगा हुआ है वहाँ पे, क्योंकि उस तरफ दिख रहा है। तो ये फुटब्रिज का फ्रेम रखा गया जो कि ऊपर से कनेक्ट होगा, और ये देखिए उससे पूरा ठीक पैरेलली यहाँ पर उसका फ्रेम बनाया गया है फुटब्रिज का। और इस तरफ देखिए स्टेप बाय स्टेप बनाया गया इसको, तो यहाँ पे एस्केलेटर वर्क नहीं बनने वाला, बाद में अगर लिफ्ट वगैरह कुछ बनाने का प्लान होगा तो शायद कर सकते हैं, पर एस्केलेटर शायद मेरे को नहीं लगता यहाँ पे बनाया जाएगा। और आगे से फिर से वही फ्रेम शुरू हो गया शेड का, और ये डबल फ्रेम है, मतलब पुराने प्लेटफॉर्म पर सिंगल फ्रेम था, प्लेटफॉर्म का विड्थ कम था, यहाँ पर लेकिन 2 प्लेटफॉर्म जितना चौड़ा किया गया इसको। तो मुझे लगता है इस प्लेटफॉर्म पे कुछ ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल जाएंगे। और ये टिटलागढ़ साइड से जितने ट्रेनें में, तो यहाँ पे हॉल्ट करना बेटर रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आगे के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब किया रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।